हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हर बार नई वीडियो लेकर आती हूँ। आज मैं आपके लिए ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स लेकर के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के बाद जब हम मुहासे हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं तो किस चीज़ का रूप ले लेते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, ये एक शुरुआत में धीरे धीरे दाना निकलता है, दाने से मुहासे हो जाते हैं, दाने से मुहासे हो जाते हैं, मुहासे धीरे धीरे उनमें पस बनना शुरू हो जाता है। पस बनने के बाद वो धीरे धीरे मस्से का रूप लेते हैं। मस्से होना एक आम बात हो गई है आजकल, क्योंकि लाइफ स्टाइल सबकी चेंज हो गई है, सबका खाना खान पान सबका अलग हो गया है, लोग बाग फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है लोगों ने, इसीलिए ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स स्किन पे ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, हमारी स्किन में ऑयल बहुत जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑयल हमारे पोर्स जब उस ऑयल को बंद कर देते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमारी जो ग्रंथियां हैं वो ज़्यादा ऑयल को बाहर निकाल नहीं पाती हैं। इसके कारण वह दाने हो जाते हैं और हमारा ऑयल अंदर ही अंदर दबा रह जाता है, जिसके कारण मुहासे हो जाते हैं। मुहासे धीरे धीरे उनमें पस बनने शुरू हो जाता है और पस बनने के बाद वो मस्से बन जाते हैं। हम यदि हमारे त्वचा की नियमित देखभाल नहीं करेंगे तो यह प्रॉब्लम हमारी बढ़ती ही जाएगी। त्वचा में कुदरती चिकनाई का अधिक स्त्राव करने वाली ग्रंथियां जो होती हैं, वो अधिक स्त्राव के कारण रोम छिद्र मोटे हो जाते हैं, जो ओपन जो पोर्स रहते हैं हमारे स्किन के, उनमें चिकनाई इकट्ठी होती जाती है और वो सख्त हो जाते हैं और घाट सी बन जाती है। इसका ऊपर का हिस्सा बाहर की ओर होने के कारण काला पड़ जाता है। काला पड़ जाने के कारण वो हमें बाहर से ब्लैक दिखने लग जाता है। मस्से दिखने में बहुत भद्दे लगते हैं और फुंसियों का कारण बनते हैं। इसका प्रारंभिक रूप हमारा मुहासे होता है। तेलीय ग्रंथियों के प्रभावित होने के कारण मुहासे व फुंसियाँ होती हैं। यदि यह संक्रमण चलता रहे तो इससे तेल ग्रंथियों वाली जो त्वचा है, त्वचा की जो भीतरी परत होती है, उसमें छेद हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे मुहासे बनने लगते हैं, जिससे चेहरे पर छोटे मोटे घाव से ही घाव हो जाते हैं और ये धीरे धीरे कील बनती है। कील बनने के बाद ये मस्से बन जाते हैं। जो तेलीय ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं वहाँ हो सकते हैं। काले मस्सों पर नियंत्रण करने के लिए हमारे को मुहासों से बचाव करना भी आवश्यक है। हमें हमारे फेस पर चिकनाई ज़्यादा जमा नहीं होनी चाहिए, यदि जमा होती रहेगी तो मुहासे बनते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमें बार बार गुनगुने पानी से चेहरे की सफाई करनी चाहिए, वो भी औषधीय युक्त साबुन से धोना चाहिए, जैसे तुलसी का हुआ, मिंट का हुआ, ग्रीन टी का हुआ, इस तरह का। या तो आप टोनर यूज़ कर लें ताकि उससे हमारे फेस की सफाई होती रहे और ऑयल कम होता रहे, या एस्ट्रीजेंट का यूज़ कर लें आप। एस्ट्रीजेंट यूज करेंगे तो उससे भी आपके फेस पर चिकनाई कम होगी। चेहरे पर साबुन ज़्यादा से ज़्यादा दो बार हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साबुन में भी पीएच बैलेंस कई बार ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमारी त्वचा खराब हो जाती है। और जो कुदरती त्वचा में जो हमारी चमक रहती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी और जब हमारे फेस पर संक्रमण बढ़ने लगता है तो उससे स्किन पर जो ऑयल रहता है, जो हम बाहर जाते हैं तो वो डर्ट हमारे स्किन पर रह जाती है, और जिससे वो डर्ट हमारे फेस पर रहती है और उससे धीरे धीरे मुहासे बनने लगते हैं।
हमें कम से कम 5 से 6 बार सादे पानी से भी फेस को धोते रहना चाहिए। गुलाब जल के बने टॉनिक से भी हमारे फेस को क्लीन करते रहना चाहिए। क्लींजर का प्रयोग करना चाहिए, रोज़ वाटर का प्रयोग करना चाहिए। रोज़ वाटर से स्किन टाइट होती है। चंदन युक्त पैक लगाने चाहिए या क्रीम में चंदन मिक्स हो वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। चमड़ी के ऊपर जो चिकनाई होती है हमें उसको नियंत्रित करते रहना चाहिए। जिन लोगों के चेहरे पे बार बार वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उनके लिए एक विशेष मास्क बता रही हूँ जिसकी आवश्यकता होती है। वो कुछ जड़ी बूटियों के पाउडर से बना होता है जिसमें चीनी घास वाला एक लोशन होता है। उसमें थोड़ा शहद दही और अंडे की सफ़ेदी, इन सबको मिला करके बनाया जाता है। और कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर जैसे एलोवेरा हुई, रोज़ वाटर हुआ या रोज़ पेटल के पाउडर हो गया या चंदन पाउडर हो गया, इस तरीके से आप कुछ चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लौंग का पाउडर मिक्स कर सकते हैं जिससे आपके फेस पर मुहासे नहीं होंगे। ये आपको पैक लगाना है, कम से कम 20 मिनट लगाना है और उसको छोड़ देना है। जब आपका 20 मिनट बाद फेस पैक पूरा सूख जाए तो उसको आप हल्का सा गीला करके वाटर स्प्रे करिए अपने फेस पर और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको गोलाई में घुमाते हुए उंगलियों से और अपने फेस को धो लीजिए। जब वो पूरा साफ हो जाएगा तो आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। इससे आपके जो रोम छिद्र हैं उनमें सुधार होगा, वो खुलेंगे सिकुड़ेंगे तो उनमें बनावट में सुधार आएगा। और जब भी हमारे फेस पर मस्से हो जाते हैं तो हमें उसको किसी विशेषज्ञ से ही निकलवाना चाहिए जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। अन्यथा आप किसी भी ऐसी जगह चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जब उनको उन चीज़ों का जानकारी नहीं होती है तो हमारी स्किन और प्रॉब्लम में आ जाती है और वो निशान कभी नहीं छूटते हमारे फेस से और गंदा लगता है, क्योंकि उन औजारों को एंटीसेप्टिक घोल में डुबाया जाता है जिससे संक्रमण नहीं फैलता, अन्यथा वह संक्रमण फैलता रहता है। चेहरे पर भाप देकर हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकालने चाहिए। उससे हमारे स्किन पर जो ऑयल है वो भी कम होता है। एक भगोने में पानी ले लें आप और उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लें और उसको अपने फेस पर स्टीम दें। जहाँ नोज़ का हिस्सा है उस जगह पे ज़्यादा दें। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप गर्म पानी लें, उसमें तौलिए को डुबो दें, छोटा सा नैपकिन ले लें उसको डुबो दें और अपनी नोज़ पर रखें। उससे भी आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बाहर निकल आएंगे और आप जो ब्लैक हेड्स रिमूवर होता है उससे आप निकाल सकते हैं। और कोई भी कीटाणुनाशक जो लोशन होता है या फेस पैक होता है आप उसको वापस लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए एक पैक है, आप 1 चम्मच दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चावल का आटा ले लीजिए और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। आप इन तीन चीज़ों को मिक्स करके जहाँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वहाँ लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट बाद उसको रिमूव कर दीजिए। आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, वो भी धीरे धीरे। आप इस तरीके से करिए तो आपके जो फेस पर ओपन पोर्स हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे और पोर्स छोटे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी कि हमारे जब मुहासे हो जाते हैं, जब उनकी शुरुआत होती है तो हमारे फेस पर ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि हम उन कुछ चीज़ों का हम यूज़ ना करें तो हमारे फेस पर ज़्यादा ऑयल हो जाएगा और रोम छिद्र बंद हो जाएंगे जिससे हमारे मुहासे दाने हो जाएंगे और दाने होने के बाद धीरे धीरे ये उनमें पस भर जाएगा और मस्से का रूप ले लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।